जिला तरकारी कमिश्नर पुंछ ने किया पुंछ बाजार का दौरा। एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार भी थे मौजूद। तभी आज हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब मार्केट में निकले, दोनों नए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, एक तजर्बाकार आदमी है, एक आईपीएस है, दूसरा केएस है, लेकिन बड़ा मजा हुआ ऑफिसर है हमारा, जैसे हमें आउटपुट्स मिले हैं। अपने इस दौरे के हवाले से जिला तरकारी कमिश्नर पुंछ ने पुंछ आज को दी जानकारी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आज का जो प्रोग्राम है ये एक फेमिलराइजेशन प्रोग्राम है। मैं शहर के गलियों से और शहर के जो हालात हैं, शहर में जो मुद्दे हैं या जो समस्या हैं। स्टार होटल के आसपास के मुकामी लोगों ने आज महकमा म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ किया नाराजगी का इजहार। कहा कि नाले में गंदगी के कारण लोगों का यहाँ से गुजरना हो गया है मुश्किल। किस तरह की परेशानी आ रही है? हाथी थाना बाजार के पास पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से लगाए गए जंगले के उखड़ जाने की वजह से आवाम को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आप सामने देखिए, यहाँ पे जंगला लगा हुआ है, तो ये आए दिन यहाँ पे लोग गिरते रहते हैं, उनको चोटें लगती रहती हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचायत इस्लामाबाद के सरपंच बाग हुसैन राठौर की अध्यक्षता में जल शक्ति मिशन के हवाले से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आज के मौके में अपने जितने साथी हैं, पंचायत प्रधान साहिबान हैं, चेयरमैन साहब हैं, सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए। खनेतर बेरा चौहाना में आज की गई ग्राम सभा, पंचायत के तमाम पंचों ने किया इस ग्राम सभा का बायकॉट। मुद्दा ये है कि पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि आज के 7 अप्रैल छत्तीसगढ़ में हुए हमले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामबन की ओर से किया गया प्रोटेस्ट। राकेश्वर सिंह मनास को रिहा करवाने पर की गई सरकार से मांग। इमाम साहब एरिया शोपिया में सुरक्षा बलों पर मिलिटेंट्स ने किया हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर शुरू किया तलाशी अभियान। अनंतनाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नाके के दौरान दो लोगों के पास से नशीले पदार्थ किए गए बरामद। बीजेपी कश्मीर यूनिट की ओर से कश्मीर में भी मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। पुलवामा के काकापुरा में बीती रात गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत में अचानक लगी आग। रियासी पुलिस की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसकी सेकंड फेज जो है वो बहुत राइज पे जा रही है। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन,
मेडिकल डिपार्टमेंट।